यूपी सरकार के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह का बाढ़ग्रस्त जटा गांव का दौरा किया। मंत्री धर्मपाल सिंह बाढ़ से कटे गांव जटा गांव नाव से पहुंचे। गांव को चारों तरफ से पानी ने घेर लिया है। गांव के 151 परिवारों को विस्थापित कर दूसरे गांव में बसाने का निर्देश दिया। जटा गांव में पानी बढ़ने के बाद सभी ग्रामीणों को कटरा गांव में राहत शिविरों में भेजा गया। गंगा में नरौरा बैराज से लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गंगा और रामगंगा में पानी खतरे के निशान से 2 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है। सिंचाई मंत्री बाढ़ पीड़ितों से जटा गांव नाव पर सवार होकर पहुंचे। उनके साथ दातागंज विधायक राजीव कुमार, शेखपुर विधायक धर्मेंद्र शाक्य, बदायूं डीएम, एसएसपी सहित बाढ़ खंड के अधिकारी साथ रहे। मंत्री गांव में पहुंचकर सभी 151 परिवारों को खेड़ा गांव में प्रत्येक परिवार को 150 गज में पक्का मकान बनवाकर देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने इस बार 4 गुना ज्यादा बजट दिया है। बाढ़ से प्रभावित ग्रामीणों से उनका हालचाल जाना। मंत्री ने राहत सामग्री तत्काल उपलब्ध आने के भी निर्देश दिए। जटा गांव में पानी आने के बाद राहत शिविर में पहुंचे ग्रामीणों से सिंचाई मंत्री मिले। पूर्व माध्यमिक विद्यालय कटरा में विस्थापित किए गए लोगों से दर्द जाना। ग्रामीणों का कहना था कि उनके किसी अन्य स्थान पर बसाया जाए। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करें और पीड़ितों से सीधे राहत सामग्रियों सहित स्वास्थ्य सेवाओं दी जाए। सिंचाई मंत्री ने कहा कि हम पवित्रता का काम कर रहे हैं, हम नदियों का दौरा कर रहे हैं। नदी हमारी माँ है, नुकसान करती है तो हम मान के साथ बर्दाश्त करते हैं। यहाँ साल में गेहूं की फसल एक बार होती है, यह हमारे लिए जीव।